वाष्णेय महिला उत्थान समिति उत्तर प्रदेश द्वारा वृद्धाश्रम में दैनिक वस्तुओं का किया जा रहा वितरण। खबर यूपी के संभल से आ रही। वाष्णेय महिला उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा श्री बारह सैनी नारी शिशु सदन वृद्धाश्रम कैथल गेट चंदौसी में समिति की महिलाओं के द्वारा खाना खाने का सामान सर्दी के प्रकोप से बचने हेतु स्वेटर साल मुखलर टोपे मोजे लोई आदि असहाय जनों को वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा उन वृद्ध जनों को खाद्य सामग्री छोले चावल बिस्किट समोसे नमकीन मूंगफली सभी प्रकार के फल इत्यादि वितरित किए गए। समिति द्वारा उन वृद्ध जनों का आंखों का चेक कराने के बाद उन्हें चश्मे भी बनवाने जाएंगे। वृद्ध आदमियों के लिए समिति ने चश्मे भी बनवाने की बात कही, बड़ी बात आपके सामने निकल कर के आ रही। वहीं समिति का कार्य हमेशा प्रशंसनीय रहा है, निर्धन एवं असहाय लोगों की मदद करना। प्रदेश महासचिव प्रतिभा चौधरी ने कहा कि समिति की समस्त महिलाएं सामाजिक कार्य में हमेशा अग्रणी रहती हैं। समिति का उद्देश्य गरीब असहाय जरूरतमंद कन्याओं का विवाह कराना, बच्चों की पढ़ाई हेतु निःशुल्क व्यवस्था कराना, निर्धन महिलाओं को उनके सुविधा के कार्य दिलाना। समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की सामाजिक संस्थाओं द्वारा सराहना की जाती है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विनेश वाष्णेय, प्रदेश महासचिव प्रतिभा चौधरी, प्रदेश कोषाध्यक्ष सोनल वाष्णेय, डॉक्टर सुधा चौधरी, उषरा वाष्णेय, डॉक्टर मधुबर्मा वाष्णेय, अर्पिता वाष्णेय, प्रिया टनाटन, मोनिका चौधरी, दीप माला रागनी, बीना सीमा, सविता वंदना, वर्षा रचना, गीता चांदनी, खुशी मोनिका, अनुराधा, रितु, प्रियांशी, रेणु, आशा, नीतू, सारिका, अर्चना, महिमा, भावना, नमिता, गीतेश, दर्शन, सुराभि, मेघा, लता, दीप्ति, शालिनी, मोनिका, रूबी, शिल्पी आदि का विशेष सहयोग रहा। युवा तक भारत समाचार के लिए संभल से इसरार आलम की रिपोर्ट।